हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच के बारे में और ये फ्रेंडली मैच खेला जाएगा जॉर्डन और स्पेन के बीच में। आज के मैच में इन दोनों टीम में से कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर हम जरूर चर्चा करेंगे। और आज के मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितने गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को हमें टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। और आप जानते हैं कि फुटबॉल में आपको सेलेक्टेड ही प्लेयर गोल करते नजर आते हैं, लेकिन आज के मैच में कौन से सेलेक्टेड प्लेयर है जो आज के मैच में भी गोल करेंगे वो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइस, जॉर्डन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 84th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें स्पेन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 7th पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, पोजीशन तो सेफ स्पेन की है, तो इसीलिए स्पेन को एक फेवरेट टीम मान चलता हूँ इस मैच में। और इन दोनों टीमों के बीच में आज तक कोई हेड टू हेड मैच हुआ ही नहीं है, तो हम इन दोनों टीम का करंट फॉर्म पर नज़र डालेंगे कि कौन सी टीम का करंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। ओके, तो गाइस, जॉर्डन करंटली 6 मैच खेली है जिनमें से इस टीम ने 5 मैच विन करे हैं। अभी तक कोई भी मैच ड्रॉ नहीं खेला बल्कि एक मैच लॉस किया है। अटैक से 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो फिलहाल के टाइम पर अगर जॉर्डन का परफॉर्मेंस देखा जाए वो काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी। लेकिन ये जो मैचेस खेले हैं इस टीम ने अपने लेवल की टीम के सामने मैच खेला और जो आज मैच खेलेगी ये अपने से कहीं बेहतर टीम के सामने मैच खेलेगी। क्या इस टीम के सामने भी इस तरह रिजल्ट इस टीम का देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। अब बात करें जो पिछला मैच जॉर्डन ओमान के सामने 1-0 से विन कर गई, एक गोल स्कोर के गोल तक कंसीड नहीं किया। और यहाँ से सीरियन के सामने ये टीम 2-0 से विन कर गई, फिर यहाँ से कुवैत के सामने 3-0 से विन की, फिर इंडोनेशिया के सामने 1-0 से विन की है और एक मैच नेपाल के सामने भी 1-0 से विन की है। तो गाइस, इस टीम ने जब भी मैच इस टीम ने खेला है सारे के सारे मैचेस विन किए हैं, विन तो किए ही किए हैं प्लस डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। तो एक चीज़ तो यहाँ से पता चलती है कि इस टीम का डिफेंस तो मजबूत है और अटैक भी अच्छा है, लेकिन अपने लेवल की टीम के सामने। लेकिन जैसे ही इस टीम ने अपने लेवल से हल्की टीम के मतलब बेहतर टीम के सामने मैच खेला और ये टीम मैच को लॉस कर गई, ऑस्ट्रेलिया जो कि काफ़ी अच्छी टीम है और एज कंपेयर टू स्पेन वो भी हल्की है। लेकिन जब जॉर्डन ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच को लॉस कर सकती है तो स्पेन के सामने तो इजीली कर जाएगी, इतना तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है। ओके, तो कहने का मतलब आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको ये मैच भी एक लॉस अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस टीम का थोड़ा सा डिफेंस मजबूत है। अब बात आती है जो स्पेन का करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, स्पेन ने करंटली खेले हैं 6 मैच जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं, सिर्फ एक मैच लॉस किया है। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो फिलहाल के टाइम पर अगर इस टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए वो भी काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है, अटैक भी है और डिफेंस भी मजबूत है। और पर मैच को कहने के या विन करती है या ड्रॉ खेलती है, लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती। अब बात करें जो पिछला मैच स्पेन पोर्टुगल के सामने 1-0 से विन कर आ रही है और पोर्टुगल भी कोई हल्की टीम नहीं है, टॉप 5 में आती है फीफा रैंक में। उस टीम के सामने जब ये टीम 1-0 से मैच को विन कर सकती है तो क्या जॉर्डन के सामने इजीली भी नहीं कर सकती? कर सकती है। फिर स्विट्जरलैंड के सामने टीम 2-1 से मैच को लॉस कर गई और उससे पिछले मैच इस टीम ने 2 खेले, दोनों मैच वन साइडेड विन किए, दोनों मैच में गोल स्कोर भी किया लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने और खेले और दोनों मैच अटैकिंग ड्रॉ खेले, दोनों मैच में बराबर के गोल स्कोर किए और डिफेंस से भी बराबर के गोल कंसीड किए। तो कहीं ना कहीं आपको स्पेन का भी करंट फॉर्म काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो फाइनली गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर इन दोनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन दोनों फॉर्मेट में, तो गाइस फीफा रैंक के अनुसार जॉर्डन की पोजीशन काफी डाउन है एज कंपेयर टू स्पेन। ओके, और रिसेंटली देखा जाए जॉर्डन का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत है अटैक से लेकर डिफेंस तक, और स्पेन का जो परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी मजबूत है अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों फॉर्मेट में फिर भी स्पेन ही एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी इस मैच को विन करने के लिए, तो इसीलिए मैं स्पेन की एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनली गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच को कौन सी टीम विन करनी चाहिए और कितने गोल स्कोर करने चाहिए। तो गाइज, मुझे लगता है कि कम से कम स्पेन को इस मैच में 2 गोल करने से कोई नहीं रोकेगा और जॉर्डन इस मैच में
एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मैं अपना इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 0-2, और 0-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे हम इस मैच में। अब बात आती है कि इन दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया है, क्योंकि अभी तक हमने इस वीडियो में बात की है कि इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितने गोल स्कोर करेगी, लेकिन इन गोल को कौन कौन से प्लेयर करेंगे उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो नज़र डालते हैं जॉर्डन के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे स्पेन के जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो नज़र डालते हैं जॉर्डन के प्लेयर्स के बारे में। और दोस्त, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। देखो ये फ्रेंडली मैच है, लेकिन जो कप का मैच होंगे संडे से, फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा, उसकी जो टीम और प्रेडिक्शन रहेगी वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, तो चलिए नज़र डालते हैं प्लेयर पर। तो गाइस, जॉर्डन की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस में जो हाईएस्ट गोल टेकर था बाहा फैशल, जिसने इस टीम के लिए 5 गोल स्कोर किए और यही पेनल्टी टेकर है। ओके, बाहा फैशल फिर आपको दो बार नाम देखने मिलेगा, पता नहीं क्यों दो बार नाम दे रखा है इसका, लेकिन इस ये एक ही है। ओके, फिर यहाँ से याजन है जिसने 1 गोल स्कोर किया है, अहमद अरशान है जिसने 1 गोल स्कोर किया, और फिर आपको बाकी जो और प्लेयर्स देखने को मिलेंगे वो भी आपके सामने है, आप इनका रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन बाहा फैसल को रख सकते हो हम टीम में। कहीं ना कहीं अगर गोल आएगा तो इस प्लेयर का चांसेस वेरी हाई है इस मैच में। ओके, बाकी जो प्लेयर्स हैं हम उन्हीं को पिक करेंगे जो डिफेंस पॉइंट दे, बल्कि गोल वाले प्लेयर्स को तो लेंगे हम नहीं, क्योंकि स्पेन गोल कंसीड नहीं करेगी, अगर गोल नहीं करेगी तो वो प्लेयर पॉइंट नहीं देंगे, तो इसलिए हम जो डिफेंस पॉइंट देते हैं बिना गोल के 20-25 के बीच में उन्हीं प्लेयर्स को हम इस मैच में लेकर चलेंगे। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो असिस्ट नाम में अगर देखा जाए तो यासीन 1 असिस्ट, और यहाँ से अली ओलवान 1 असिस्ट, और यहाँ से रजाई ने 1 असिस्ट निकाला, तो मैं इनमें से भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, अब बात आती है जो सेकंड टीम है स्पेन, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं हम स्पेन के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस, स्पेन की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचेस में फेरन टोरेस ने किए थे 4 गोल, कार्लोस सोलर ने किए थे 2 गोल, और यहाँ पर पैब्लो शराबिया ने 2 गोल स्कोर किया था और 1 गोल पेनल्टी में किया, तो यहाँ से पता चलेगा शराबिया पेनल्टी लेगा। ओके, फिर यहाँ से मोराटा ने 2 गोल स्कोर किए थे, बाकी जो आपको टॉप 5 में देखने मिले इन प्लेयर्स का आपको 2-2 गोल देखने मिलेंगे। अगर आपने इनको लीग वाइज देखा होगा तो खेलते वहाँ पर भी इसका परफॉर्मेंस इन प्लेयर्स का काफ़ी शानदार रहता है। पैब्लो फोर्नल्स वेस्टहम के लिए खेलता है, यहाँ से मोरिनो जो कि विल्लारियल के लिए खेलता है, और जोश गया जो कि ये फिलहाल टाइम पर आई थिंक क्या बताऊँ शायद वैलेंसिया के लिए खेलता है, ये भी अच्छा मिडफील्डर है। ओके, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, देखो टोरेस को लेकर चलना, कार्लोस सोलर जो कि फिलहाल टाइम पर पीएसजी के लिए खेल रहा है और वहाँ पर इसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया, 2 मैच में 2 गोल स्कोर किए, करंट फॉर्म अच्छा है। सराबिया भी एक अच्छा खासा प्लेयर है, मोराटो भी ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो भी खेलेगा ना हम टीम में लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। असिस्ट नाम देखा जाए जॉर्डी अल्बा 4 असिस्ट, कॉक ने 2 असिस्ट निकाले, मोराटा ने 1 असिस्ट, बाकी के रिकॉर्ड सामने। देखो यहाँ पर ना आज के मैच में ऐसा हो सकता है कि स्पेन अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को ना इस मैच में मौका दे, क्योंकि दूसरी टीम हल्की है, अगर इस टीम के जो बेंच वाले प्लेयर भी खेलेंगे तो भी मैच विन कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा ना खेले, कॉक भी ना खेले, मुझे लगता है कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये दोनों बड़ा प्लेयर हैं और इनको कप मतलब फीफा कप खेलना है, और ताकि इंजोर्ड अनजोर्ड ना हो इनको रेस्ट दिया जाएगा, बाकी का रिकॉर्ड सामने। ओके, तो अब बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, हमने इस मैच में 0-2 रखी है, और 0-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो सीधे नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम पर, और इस वीडियो के सेकंड बेस्ट पार्ट पर जहां पर हमारे एक प्लेयर्स के बारे में बताएंगे कि आपको किन प्लेयर्स को लेकर चलना है और क्या उनको कैप्टन बनाना है या नहीं बनाना। ओके, तो चलिए नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन टीम पर। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो गोलकीपिंग सेक्शन से अगर बात की जाए तो उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, स्पेन एक फेवरेट टीम है, 7 प्लेयर लेंगे, और जॉर्डन एक इस मैच में एक हल्की टीम है, तो एक इस टीम के 4 ही प्लेयर लेंगे, कुल मिलाकर 11 प्लेयर्स को हमें टीम में सेलेक्ट करना है, और किस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना आगे चलकर बताता हूं। ओके, तो यहां से आपके सामने ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गोलकीपर सेलेक्शन आपको सिमोन के ज़्यादा देखने मिलेगा, लेकिन सजेस्ट नहीं करूँगा, आप यहाँ से जॉर्डन का गोलकीपर पिक करें, जो भी खेले आपको जॉर्डन का ही गोलकीपर ट्राई करना। ओके, ग्रैंड लीग खेलो चाहे स्मॉल लीग खेलो। अब यहाँ से हम बात करें डिफेंडर सेक्शन से, तो आपकी चॉइस देखो अल्बा कारवेजल, इनका चांसेस वेरी लेस हैं खेलने के, लेकिन एरिक गार से खेल सकता है, हेडर में भी स्ट्रॉन्ग है। ओके,
यहाँ से इनको पिक कर चलेंगे, बाकी जो अलवार और यहाँ से किए तो खेलेंगे नहीं, तो इसलिए हम ड्रॉप करके चलें। और बाकी यहाँ पर जो जॉर्डन के डिफेंडर उनमें मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। लपोर्ट को पिक कर चलेंगे जो हेडर वाइज ये भी काफ़ी अच्छा और मैनचेस्टर सिटी के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया करंटली। गया खेलेगा तो ट्राई करेंगे, टोरेस हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये गोल स्कोर कर सकता है, तो हम अभी के लिए टोरेस को लेकर चलते हैं। गया खेलेगा तो लेंगे वरना ड्रॉप करेंगे। ओके, बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन मुझे लग रहे हैं इनमें से कोई नहीं खेलेगा तो ड्रॉप ही करेंगे। बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, मतलब सराबिया खेलेगा और यहाँ से पेड्रो का चांस वेरी लेस लग रहा है मुझे, और यहाँ से अयीब ये भी नहीं खेलेगा। डानी ओल्मो खेलेगा तो लेकर जरूर चलेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पेनल्टी भी ले सकता है। ओके, फिर यहाँ पर आपको ज्यादा को जॉर्डन की तरफ से ना आपको समीर को ले सकते हो क्योंकि ये डिफेंसिव पॉइंट फिर भी दे जाएगा, तो समीर अपनी टीम में रहेगा। हर्नांडीज डिफेंसिव पॉइंट दे, कॉक डिफेंसिव, बास्कट डिफेंसिव, फाती जो कि काफ़ी यंग प्लेयर हो, काफ़ी करंट फॉर्म शानदार और जानदार है, तो आई थिंक इनको भी अपनी टीम में हम लेकर चलना चाहिए। ओके, फिर यहाँ से सोलर है, लॉरेंट है, इनमें से मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, सोलर करंट फॉर्म अच्छा है। ओके, बाकी हम बात करें सेंटर फॉरवर्ड, तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए सेंटर फॉरवर्ड में मोराटा और टोरेस और मार्को असेंसी, तीन में से जो भी खेलेगा आपकी टीम में रहेगा। ओके, यहाँ पर क्योंकि ये अच्छा प्लेयर्स हैं, और यहाँ से मार्डी, बाकी यहाँ से पिनो को भी नहीं, पिनो को ज़्यादा से नहीं करूँगा, बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं अभी के लिए दो प्लेयर्स पिक करता हूँ, मोराटो को लेते हैं। टोरेस के लिए हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पिक कर ले दी है शायद, हाँ फाते को ले लिया ना, कोई नहीं, अभी भी लिए हम वहाँ पर डिफेंसिव पॉइंट वाले प्लेयर को देते हैं, रवाब दे इनको लेके चलते हैं, और एक सेंटर फॉरवर्ड चूज करते हैं जो इस टीम तरफ से अच्छा खासा प्लेयर हो सकता है, अलवान। ओके, तो कैप्टनसी की बात की जाए तो मुझे लगता है जो कैप्टनसी के ऑप्शन है, अगर यही टीम रही तो कैप्टन हमारे मोराटा जाएगी, वाइस कैप्टन डानी ओल्मो जाएगी, तो ये मेरी टीम का प्रीव्यू रहेगा। ये टीम का फाइनल टीम नहीं है, ये लाइनअप के बाद जो फाइनल रहेगी वो पोजीशन के अनुसार आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखो फातिह को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, काफ़ी यंग और टैलेंटेड प्लेयर है। ओके, करंट फॉर्म काफ़ी मजबूत है, बार्सिलोना के लिए काफ़ी अच्छे इसने परफॉर्मेंस किया, और यहाँ सराबिया ये सपोर्टिंग ब्रागा के लिए आई थिंक फिलहाल टाइम पोर्टुगीज लिए खेल रहा, वहाँ पर भी इसका करंट फॉर्म काफ़ी शानदार है। बाकी यहाँ पर डिफेंडर में से किसी को सजेस्ट नहीं करूँ क्योंकि यार कभी कभी ना प्लेयर जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो इसलिए इनमें से किसी को नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।